Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,981 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,894। तो गैप डाउन, आज ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ग्लोबल क्यूज कभी निगेटिव आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है वो और ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, तो कई जगह पर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो उसके मद्देनज़र थोड़ा उठक पटक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अगर मंथली चार्ट को देखें तो पूरी सिचुएशन आपको अच्छी तरह से नज़र आएगी। ये जो कैंडल है ये फरवरी मंथ का कैंडल है, इसका हाई और इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और इसके बीच में मार्च अप्रैल और अभी मई चल रहा है, इसके बीच में ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो सेकेंड वेव आने के बाद से लॉकडाउन होगा नहीं होगा, लॉकडाउन किसी जगह पे है नहीं है, तो सारी दुविधा की सिचुएशन इस समय बनी हुई है। तो मार्केट भी इस समय फ्लैट कारोबार करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग टाइम प्लानिंग के लिए जब तक ये कैंडल जो है फरवरी मंथ का, इसका हाई और लो हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेके मान के चल सकते हैं। जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करेगा हमें आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये मंथली चार्ट का एक बार सिनेरियो दिखा दिया। अभी 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ऊपर आया एग्जैक्ट इसने ब्रेक डाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से ही इसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया आज, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल भी साबित हुआ ब्रेक डाउन का भी। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, कल हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ किए थे कुछ इस तरह से। तो 61.8% 50% ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आज हमें कुछ इसी तरह का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। 61.8% का लेवल अचीव करने के बाद यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, हालांकि बाद में एक ग्रीन कैंडल बना जो ओपन हुआ था उसके ऊपर आके निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है, लेकिन प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ओवरनाइट प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। अभी हो सकता है ये 20 AMA को रिटेस्ट करे ये इस तरह से और फिर ऊपर की तरफ बढ़े, और जब तक ये 20-50 AMA के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये बुलिश है ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है फिलहाल। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि कल भी हमने आइडेंटिफाई किया था RSI जो है 70 और 100 ये जो ओवरबॉट जोन है इसमें एंटर कर चुका है, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और अभी ये थर्ड टाइम हो चुका है इस जोन में आकर निफ्टी इंडेक्स ने एक हल्का सा फॉल दिखाया, करेक्शन दिखाया, तो अभी ये काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो अभी कल के लिए यहाँ पर अगर अपसाइड मूव अगर आता है तो आज का जो हाई बना है जहाँ से हमने देखा ब्रेकडाउन लेवल जो था वो हमारा कल के लिए होगा ब्रेकआउट लेवल, यानी 14,896 हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 14,913, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,927, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड कैंडल है ये थोड़ा सा हैमर जैसा लग रहा है, इसने काफ़ी बड़ा टेल छोड़ दिया है नीचे की तरफ। तो दो बार यहाँ से निफ्टी इंडेक्स आज यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो इस लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए। दो दिन पहले भी आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट टेस्ट किया था निफ्टी इंडेक्स ने। तो 14,797 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,782।
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,762, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए, यानी 12 मई के लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी अगर 5 मिनट का चार्ट आप देख ले तो कल जो हमने ब्रेकडाउन लेवल मार्क किए थे ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही फिर से ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ आया तो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अगर इसमें देखें तो अभी फिर से एक बार ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो अगर कल निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल बन रहा है, जैसे निफ्टी में एक हैमर जैसा कैंडल हमने देखा आर्ली चार्ट में, यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का एक कैंडल बना है, तो 32,720 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,677, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,624, ये हमारा इसका लो पकड़ लेते हैं। 32,605 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये जो लेवल्स है राइट साइड में यहाँ इस सॉफ्टवेयर में नहीं शो करता, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही करता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये रीड करने में। और कल के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल, यानी 33,031 जो आर्ली चार्ट में बन रहा है हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,094, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 33,156, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।